नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फैज़ अहमद फैज़ एक ऐसे अजीम शायर जिनकी शायरी ने दिलो दिमाग के साथ साथ ज़मीर को भी छुआ है। उन्हीं की ज़िंदगी और शख्सियत पर किताब है फैज़ फहमी, जिसे कंपाइल किया है डॉक्टर तकी आबिदी ने, जो पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन मिजाज से शायर। आज उन्हीं से बातचीत करते हैं इस किताब के बारे में और उनकी अपनी किताबों के बारे में। हमारे शो में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अच्छा, फैज़ फहमी हैज़ बीन कॉल्ड अ मैग्नम ओपस, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? यकीनन इसमें फैज़ के शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी और उनके फ़न, उनके वर्क दोनों पर रोशनी डाली गई है। ये एक सेलिब्रेशन बुक नहीं है, बल्कि ये एक बुक है, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शायर को समझने की कोशिश की गई है कि उर्दू में जो शोरा हैं, जो पोएट्स हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा शेर हैं, लेकिन फैज़ के पास तो पूरे मिलाकर पूरी ज़िंदगी में 1800-1900 से ज़्यादा शेर ही नहीं है जी। तो लेस देन 2000 वर्सेस एंड ही इज़ ए पोएट ऑफ 21st सेंचुरी, दैट वाज अमेजिंग। तो मैंने उन एंगल्स पर, उन जावियों पर जिस पर रोशनी डाली नहीं गई थी, उनको इस किताब में इंक्लूड किया है। और जो फैज़ पर जो आर्टिकल्स लिखे गए जी, जो अपनी जगह पर बहुत ही टॉप के आर्टिकल्स थे, उसको भी हमने शामिल किया है कि इट इज़ लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया विच हैज़ द फैज़ पर्सनालिटी एज वेल एज हिज वर्क एंड टू शो दैट व्हाई ही इज़ द एमिनेंट पोएट। तो फैज़ ये फहमी है कि फैज़ को समझने की कोशिश की गई है। जी, पूरी तरीके से तो समझा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक आपके जो है ट्राई है, एक कोशिश है जिसको मैंने इस तरीके से इस दस्तावेज में, इस सहीफे में पेश किया। आपकी इस किताब में ऐसा क्या है जो बाकियों से अलग है? देखिए, मैंने इसमें उन्हीं आर्टिकल्स पर अपना कलम उठाया है जी जिस पर गुफ्तगु नहीं की गई थी। जी तो इसमें मेरे खुद 47-48 आर्टिकल्स हैं और बहुत से आर्टिकल्स में रिपीटेशन था, यानी वही पुरानी शराब को नए सागरों में डाल के पेश किया गया था, जो हमारा एक सिस्टम है। मैंने सोचा कि ये इंसाफ नहीं है फैज़ के साथ। और आपने जो कहा, मैंने पूरी तहकीक की है और पढ़ा है फैज़ पर लेस देन 70 से कम किताबें इस वक्त हैं जी। तो एक ऐसा शायर जो 21वीं सदी में के चैलेंजेस से गुजर रहा है, जो इतना पॉपुलर है कि उर्दू का कोई शायर इतना गाया नहीं गया, उसके लिए 70 किताबें कम थी। तो हमने स्टूडेंट्स के लिए और वो लोग जो फैज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो नुकात रखे हैं, वो पॉइंट्स रखे हैं, वो रास्ते बताए हैं कि और ऑनेस्ट तरीके से बातचीत की है। इसमें फैज़ की तारीफ भी है, इसमें अगर फैज़ के फ़न में कुछ मसला है तो उसको भी पेश किया गया है। ही ऑलवेज बिलीव दैट जो कहा गया है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हाउ इट इज सेड। देखिए, फैज़ ने हर चीज़ जो है आपके अलामत में और आपके जो है इशारों में और एक तरीके की सिम्बलिज और मेटफोर में बात की है। जैसे जैसे जब उनको मालूम होता है कि लाहौर के जेल में एक नौजवान हसन नासिर को टॉर्चर कर कर कत्ल कर दिया जाता है, उसकी फैमिली को तक नहीं बताया जाता, तो फैज़ पूछते हैं वो नौजवान हसन नासिर नजर नहीं आ रहा, तो मालूम होता है कि ही हैज़ बीन किल्ड बाय द सिक्योरिटी एंड ही हैज़ बीन बरीड। अच्छा, हसन नासिर का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। तो फैज़ ने उसी रात एक नज्म लिखी। अब वो नज्म देखिए, इसमें कितनी आपके जो है इशारे हैं। रात के पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार सर नेगू महव हैं बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। शानए बाम पर दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील, नूर में घुल गई है आबे नुजूम, खाक में धुल गई है आबे नुजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। क्या बात है। और सब्ज गोशों के, अब ये इमेजरी जो है ये तो हमारे पास है, लेकिन जो चीज नहीं है यहां से टन लेते हैं। फैज़ कहते हैं कि दिल से पैहम ख्याल कहता है एट दिस मोमेंट
माई हार्ट इज चक, दिल से पहम ख्याल कहता है इतनी शीरी है जिंदगी इस पल। और कहते हैं जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सके हैं आज न कल। क्या बात है। जलवा गाहे विशाल की शम में, हसन नासिर को अगर वो कत्ल भी कर दे, जलवा गाहे विशाल की शम में वो बुझा भी सके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम बाने, चांद को गुल करें तो हम जाने, इफ दे कैन टेक आउट आपके द लाइट ऑफ द मून देन वी विल नो। यानी हसन नासिर को तो मार सकते हो लेकिन तहरीक को नहीं मार सकते, उस आवाज को नहीं मार सकते, उस आजादी को नहीं मार सकते, उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं मार सकते। तो आपने देखा ये पूरी जो नज्म है वो जो है पूरा आपके इशारों में बातचीत हुई। द एलिमेंट्स ऑफ फैज जो है ये फैज को दूसरे शायरों से अलग करता है। तो एंड दिस innately romantic character of his poetry, which is romantic and rebellious at the same time. Right. So would it be correct to call him a romantic rebel? Yes, of course. देखिए जब उनकी सबसे मशहूर नज़्म 1935 में छपी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, तो I was doing a little research. तो मैंने तहकीक में देखा कि उस जमाने के जो मैगजीन थे वो ये कह रहे थे कि फैज ने एक रोमांटिक नज्म का मजा किरकिरा कर दिया। He has distasted it. क्योंकि फैज ने क्या कहा, फैज ने कहा कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? जी। तेरी सूरत से अब उसकी जो नज्म का जो पूरा रोमांस है कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिवा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगु हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अब फैज ने फौरन टर्न लिया, अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तिलिस्म, रेशमों अतलसों किम ख्वाब में बुनवाए हुए, और जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, क्या बात है, पी बहती हुई गलते हुए नासूरों से, और जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, फिर कहता है लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, और पलट के आके फिर हुस्न से कहता है अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो दिस इज अ रेवोल्यूशन, दिस इज अ टाइप ऑफ आपके रोमांस, दिस इज अ टाइप ऑफ आपके जो है एक तरीके का, यानी रोमांस में आपके समाज, इसी को कहते हैं कि फैज ने कुएं यार से सुएदार सफर किया। फैज के कहने का अंदाज अलग है। फैज कहते हैं वो जब भी करते हैं उस नुतखो लब की बखियागिरी, व्हेनेवर दे सील द लिप्स एंड टंग, फिजा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं, बिल्कुल फिजा में और भी नगमे बिखरने लगते हैं, द सॉन्ग्स ऑफ डेमोक्रेसी विल बी स्प्रेड एवरीवेयर, उसके बाद से क्या कहते हैं। लेकिन ये अलग फेज की शायरी है जो आपने 1935 की बात की, जबकि ये नज्म है वो उनकी जो व्हाट यू विल कॉल हिज सेकंड फेज इन पोएट्री, when he got associated with the progressive writers movement, there was a certain seriousness to the passion. Yes. This was the time when he had joined MAO college as a lecturer. Right. And he had got associated with a different viewpoint from what he had before and what the poets of his time had before. Right. Isn't his that? His first collection of poems and ghazal, that's Naqsh-e Faryadi, was published in 1941. ऑलरेडी जो है 5 साल पहले 1934 में वो तहरीक से, जिसमें राज आनंद थे, जिसमें सज्जाद जहीर थे, जिसमें आपके मुजफ्फर थे, जिसमें रशीदा जहां थी, उनसे मुंसलिक हो चुके थे। उस जमाने में भी उन्होंने जब नक्शे फरियादी लिखी तो उसको दो हिस्सों में तकसीम किया और उसके सेंटर में एक वर्स लिखा, एक शेर लिखा, दिली फरूख्तम व जानी खरीदम, आई सोल्ड माई लव एंड आई परचेस द पेन ऑफ माई सोसाइटी, यानी गमे जाना को छोड़कर गमे दौरा को मैंने हासिल किया। लेकिन आफ्ताब अहमद ने बहुत खूबसूरत बात कही,
फैज तमाम जिंदगी ये काम नहीं कर सके, इसी दो राह पे जिंदगी गुजार दी, एक पैर इश्क की तरफ रखा, एक पैर आपके समाज की तरफ रखा। इस वजह से कि फैज की पोएट्री जो मशहूर हुई है, देखिए उस जमाने में फैज क्या कहते थे, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार कर, एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हमने हौसले परवरदिगार के, ये फैज का टोन था। उसको चेंज कर कर बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल ये सुतमा जिस्म है तेरा, बोल ये जां अब तक तेरी है, देख के आहन घर की दुकान पर तुंद हैं शोले सुर्ख है आहन, और खुलने लगे खुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। क्या बात है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, जिस्मो जान की मौत से पहले। क्या बात तो इस मैसेज ये है कि शायर गुजर रहा है लोहार की दुकान से, तो वो देख रहा है कि जंजीर बन रही है, तो पोएट ये सोच रहा है इन फ्यूचर ये जंजीर पहनाई जाएगी, इसको कैद किया जाएगा, इसको जेल में डाला जाएगा। अभी बन रही है जंजीर, यू कैन टॉक, दिस इज द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, तो जहां पर जबान बंद थी। तो इसको जो अलामात में, इस्तियारों में, सिमिलीज में, मेटफोर्स में, फैज के पास हर चीज है। देखिए इसमें म्यूजिक कितनी है जी, इस म्यूजिक के बारे में और फैज साहब के बारे में और बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। We'll be right back. कैसा लग रहा है? तुम जल्दी से डिसाइड क्यों नहीं कर सकती? पेश है नया हेड एंड शोल्डर्स लेमन फ्रेश, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और बालों को दे खुशबू लंबे समय तक। खुद ट्राई कीजिए। PNG. ये वॉच $500, गॉगल्स ओनली $1,000। चलो कनाडा, सब कुछ मिलेगा। ₹5 में स्नैक्स मिलेगा, ₹5 में जिलेट गार्ड किफायती दाम में, ₹1 में 1 शेव। गार्ड का फ्लेक्सिबल हेड आपके चेहरे के अनुसार एडजस्ट करे और आपको दे सुरक्षित शेव, सिर्फ ₹1 में 1 शेव। गार्ड जिलेट की ओर से। जिलेट गार्ड का नया किफायती पैक जो आपको देता है 9% बचत। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। हम बातचीत कर रहे हैं फैज अहमद फैज के बारे में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तकी आब्दी। डॉक्टर साहब, हम फैज साहब की बात कर रहे हैं, आपने पहले हिस्से में बात की थी उन्होंने जो जेल में वक्त गुजारा और वहाँ पर नज़में लिखी, तो उस वक्त के उनके एक कॉलीग थे पोशनी साहब, उनका आर्टिकल भी आपने इस किताब में रखा है, जो बताते थे कि कैसे फैज साहब कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी अपने हालात से नाजूर नहीं होते थे, लेकिन उन्हें अगर सीरियस देखा जाए या बहुत इंट्रोस्पेक्टिव जब वो होते थे तब वो कुछ लिखने कुछ क्रिएट कर रहे होते थे। फैज जिसको हम कहते हैं फरिश्ता सिफत, मनमोहनी शख्सियत, यानी वो तो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, या अंग्रेजी में जैसे कहते हैं इट इज डिफिकल्ट टू बी हम्बल व्हेन यू आर ग्रेट, मगर फैज वाज हम्बल, ही वाज ग्रेट, दैट्स अ ग्रेटनेस। अब जैसे उनकी गजलें जो गाती हैं कि दिल में अब यूं तेरे खोए हुए गम आते हैं जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। क्या बात, काबे की हिस्ट्री 6000 ईयर्स